नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन में। शहर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली कक्षा 9 के छात्र की आंख गिल्ली लगने से फूट गई। डॉक्टर ने आंख की रोशनी जाने की बात कहते हुए ऑपरेशन करने की सलाह दी है। परिजनों ने कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कॉलेज प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार रोड स्थित एक इंटर कॉलेज परिसर में 11 दिसंबर को कक्षा 9 का छात्र पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान पास में ही गिल्ली डंडा खेल रहे छात्रों की गिल्ली अचानक उछलकर छात्र की आंख में जा लगी, जिससे छात्र की आंख से खून निकलने लगा। छात्रों ने जानकारी प्रिंसिपल और टीचर को दी। आरोप है कि कोई भी टीचर छात्र के साथ अस्पताल में उपचार कराने के लिए नहीं गया, बल्कि स्कूल के ही दो छोटे छोटे छात्र अपने साथी को लेकर अस्पताल पहुंच गए, जहां हालत गंभीर होने की वजह से छात्र को एम्स के लिए रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद आंख की रोशनी जाने की बात कहकर परिजनों को चौंका दिया। छात्र की माँ शकुंतला देवी ने बताया है कि वो अपने बेटे के जीवन को लेकर अब परेशान है। उन्होंने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई करने और मुआवजा दिलाने की मांग की है। छात्र के दादा फूलचंद ने बताया कि यदि समय रहते स्कूल के टीचर बेटे को अस्पताल पहुंचा देते तो शायद उसकी आंखें आज सही सलामत होती। सब इंस्पेक्टर मनवर सिंह नेगी ने बताया है कि मामले में पुलिस को तहरीर मिली है, पुलिस जांच कर रही है। सर, जब मैं यहां से घर से निकला, मेरे पे फोन आया मेरे पे कि भाई आपके यहाँ पोते को चोट लग गई है। तो जब यहाँ से मैं सीधा सरकारी हॉस्पिटल गया तो सरकारी हॉस्पिटल जब मैं आ रहा था तो वहाँ मुझे बच्चा नहीं मिला। उन्होंने बोला कि हमने एम्बुलेंस है एम्स के लिए भेज दिया। रास्ते में मैं जब फटाफट स्कूटी से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एम्बुलेंस मिल गई कोयलघाटी के, वहाँ हरिद्वार रोड पर 72 सीढ़ी के पास, 72 सीढ़ी के पास मिल गई, मैं उसमें बैठ गया। उत्तराखंड में राज्य विभाग ने बिटुमिन और तेल कारोबारियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर 12 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी पकड़ी है। 12 फर्मों के कुल 16 प्रतिष्ठानों पर छापों के दौरान कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। कुछ कंपनियों ने मौके पर ही 1.13 करोड़ रुपए कर का जमा करवाया। अपर आयुक्त राज्य कर देहरादून अमित गुप्ता ने बताया है कि कर विभाग की ओर से जीएसटी चोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही विभाग बिल लाओ इनाम पाओ से भी बड़ी संख्या में टैक्स चोरी को पकड़ा जा रहा है। वहीं कर विभाग ने देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर स्थित फर्म बिटुमिन और तेल कंपनियों पर लंबे समय से नजर रखी हुई थी। ये फर्म राज्य से बाहर स्थित फर्मों के बिलों की आड़ में बोगस ITC का लाभ लेकर GST की चोरी कर रहे थे। इस फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए बिल टू शिप टू मॉडल का सहारा लिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि प्रथम दृश्य में इन फर्मों में 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कर चोरी मिली है। फर्मों के दस्तावेज, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि जब्त कर जांच की जा रही है। बिल्लाओ इनाम पाओ योजना में पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उपभोक्ता है उनका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हमारे जैसे नवंबर और दिसंबर में बिल्स अपलोडिंग लगभग 5 गुना बढ़ गई है जो एवरेज मंथली बिल्स अपलोडिंग थी। उसके अलावा जो उपभोक्ता बिल डाल रहे हैं तो उससे हमें GST के अकाउंट जो रिटर्न्स हैं उसको रिकनसाइल करने में बहुत हेल्प मिल रही है और डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ दिनों में लगभग 18 जगह छापे मारे थे और 1.5 से 2.25 करोड़ की चोरी पकड़ी गई है और जिसमें उन्होंने स्वीकार कर लिए और काफ़ी पैसा उसमें रिकवर भी हो गया। आपने ये गाना जरूर सुना होगा कि दम मारो दम मिट जाए गम, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बस्ती में एक स्कूल ऐसा भी है जहां के प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक गांजे का दम लगाकर मस्त रहते हैं। जाहिर है मोटी सैलरी पाने वाले ये टीचर दुखी तो होंगे नहीं। वैसे तो स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चों के भविष्य को बनाया जाता है, लेकिन बस्ती जिले में एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ के प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक गांजा पीते हैं। गांजे का शौक ऐसा कि स्कूल परिसर में ही दम लगाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाने के बजाय गांजे के नशे में मदमस्त रहते हैं। अब आप जरा सोचिए कि अगर स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक गांजा पीते हो तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। इसका खुलासा तब हुआ जब स्कूल के प्रबंधक ने DIOS से की शिकायत की है। जब मामले की जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई।
आपको बता दें कि बनकटी ब्लॉक में जनता इंटर कॉलेज है। स्कूल के प्रबंधक ने DIOS को पत्र लिखा कि स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और स्टाफ गांजे का सेवन करते हैं। शिकायत पर DIOS ने खुद जांच की। जांच के दौरान सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद DIOS ने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और स्टाफ से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। स्कूल के प्रिंसिपल समेत 4 कर्मचारियों ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन 3 अन्य कर्मचारी सुनील दुबे, रामशंकर और वासुदेव ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। जांच रिपोर्ट में जिन लोगों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया उसी के आधार पर भी शिकायत सही पाई गई है। DIOS जगदीश प्रसाद शुक्ला ने बताया है कि जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई है। स्कूल में मादक पदार्थों का सेवन करना सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ है, इसलिए विद्यालय के समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। साथ ही स्कूल के समस्त शिक्षक और कर्मचारी को निर्देश दिया गया है कि 2 दिन के अंदर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। विद्यालय में मादक पदार्थों को लेकर शिकायत की गई पीने की, क्या कुछ कार्रवाई की गई? इसमें मुझे जो है कंट्रोलर के माध्यम से उस विद्यालय के पता चला कि वहाँ पर जो है गांजा की पुड़िया मिली। तत्संबंध में जो है मैंने वहाँ के समस्त कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पत्र जारी कर दिया है और इसका गंभीर संज्ञान लेते हुए समस्त स्टाफ का वेतन भी रोक दिया है। सर, किस विद्यालय का मामला है, कहाँ का है? सर, ये जनता इंटर कॉलेज बनकटी का। बुलंदशहर जनपद के विकासखंड गुलावटी के ग्राम पंचायत सचिवालय जैनपुर में 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को एक पीपल और 2 शीशम के पेड़ों की नीलामी जनपद के नायब तहसीलदार कानूनगो और संबंधित लेखपाल की उपस्थिति में कराई गई। ग्राम जैनपुर की महिला प्रधान सोनम भारती ने बताया कि 3 पेड़ों की नीलामी के लिए पूर्व में निर्धारित किए गए समय और स्थान के अनुसार मौके पर नायब तहसीलदार अंकित कुमार, कानूनगो पुनीत पाठक और लेखपाल मनोज शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पेड़ों की नीलामी में भागीदारी कर होने वाली 6 इच्छुक लेनदारों ने पेड़ों को खरीदने के लिए 1,500 रुपये अलग अलग सिक्योरिटी के रूप में जमा किए हैं। कासगंज पुलिस लाइन में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर परेड का मान प्रमाण स्वीकार कर परेड का निरीक्षण किया गया है और जवानों को ड्रिल परेड का निरीक्षण भी किया गया है और संबंधित अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कासगंज अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में पुलिस लाइन कासगंज में दंगा नियंत्रण योजना का रिहर्सल किया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण द्वारा प्रतिभाग किया गया। झांसी में सनातन धर्म और साधु संतों पर अपमानजनक टिप्पणी करने से नाराज राष्ट्रभक्त संगठन ने थाना नवाबाद पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का मांग करते हुए कहा कि 70 की उम्र में स्वामी प्रसाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से मांग करते हुए कहा है कि वो उन्हें तत्काल सपा से बाहर का रास्ता दिखाएं। राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल के नेतृत्व में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू सनातन का अपमान करने, हिंदू धर्म को धोखा धंधा बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। इसको लेकर नवादाबाद थाने पर प्रदर्शन करते हुए शिकायत पत्र देकर थाना अध्यक्ष को सौंपा गया है। इस दौरान राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये स्वयं हिंदू नहीं है और अगर इन्हें हिंदू होने में इतना ही दर्द है तो जाकर मुस्लिम बन जाएं। पुलिस इन पर मुकदमा कायम करके इनको पकड़कर झांसी लाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इनका उचित इलाज हो सके। मानसिक रूप से विक्षिप्त भरी बातें करते हुए कभी रामचरितमानस की चौपाइयों को गलत बताते हैं तो कभी साधु संतों का वो अपमान करते हैं। सहारनपुर जिले में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। थाना कोतवाली देहात पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ लोग जंगल में गौकसी करने जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने सतर्क दृष्टि रखते हुए
चेकिंग गश्त के दौरान ग्राम हलालपुर के जंगलों में नया बाईपास रोड पर कुछ लोगों को एक गाय ले जाते हुए देखा। पुलिस टीम द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस को करीब आता देख जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश अरशद उर्फ कनकटा पुत्र भूरा उर्फ पाली उर्फ फैजान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार गौकशी की तलाश हेतु कंबिंग की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस, गौकशी करने के उपकरण और एक जिंदा बछिया बरामद की गई है। कासगंज में पुलिस के अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को तस्कर के कब्जे से 540 ग्राम नजायज नशीला पाउडर बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। आरोपी इसरार पर 5 आपराधिक मामले में मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी इसरार कस्बा पटियाला का रहने वाला है। महाराजगंज में मैरिज हॉल की छत गिरने से हुई मौत के मामले में जवाबदेही तय हुई है। निर्माणाधीन मैरिज हॉल के मालिक और ठेकेदार की संलिप्तता जिसमें पाई गई है। 3 मजदूरों की मौत के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि निर्माणाधीन मैरिज हॉल की छत गिरने से यह हादसा हुआ था। मामला कोल्हुई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ का है। नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 3 टन अनुमानित प्रतिबंधित प्लास्टिक की खेप को पिकअप सहित पकड़ने में सफलता पाई है। इस मौके पर प्रवर्तन दल टीम के प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए हम लोगों को सूचना मिली थी कि पिकअप द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक की खेप शहर में लाया जा रहा है। इसके बाद अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम ने सुबह करीब 9 बजे लालडेगा हाबर्ट बंधे के पास एक पिकअप को पकड़ा, जिसमें 3 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है, उसको पकड़ा गया। वहीं पकड़ी गई गाड़ी का नंबर UP 53FT 1920 है, जिसका नौशाद अंसारी नाम का ड्राइवर जो उसको चला रहा था। ये प्रतिबंधित प्लास्टिक की खेप संत कबीर नगर से लाई जा रही थी। प्रतिबंधित प्लास्टिक को की ये खेप गोरखपुर में मोहम्मद आवेश के यहाँ जा रहा था, जिसे अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम ने रास्ते में ही पकड़ने में सफलता पाई है। वहीं गाड़ी सहित प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर लिया गया है। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित पॉलीथीन का एक पिकअप हरवर्डपुर बांध के रास्ते मंडी में आ रहा है। हमने अपने प्रवर्तन दल को इंस्ट्रक्ट किया और हम लोग, मैं और अपर नगर आयुक्त द्वितीय और समस्त प्रवर्तन दल वहाँ पर गए और उस गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ा। उसमें तकरीबन 3 टन प्लास्टिक प्रतिबंधित पॉलीथीन था। गाड़ी का विवरण मैंने अभी आपको पहले बताया था, UP 53 1905। ड्राइवर का नाम है नौशाद अंसारी। ये मंडी में कोई आवेश, मोहम्मद आवेश हैं, उनका माल था, उनके लिए जा रहा था, जो कि ड्राइवर ने बताया। बस इतना हमको बताया उन्होंने कि मोहम्मद आवेश का सामान था और इसने संत कबीर नगर किसी गोडाउन से उठाया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 दिन पहले उन्नाव पुलिस की कार्यशाली से आहत एसपी कार्यालय में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाए जाने वाले झुलसे दलित युवक की लखनऊ के KGMU में इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लखनऊ में पोस्टमार्टम के बाद शव को एम्बुलेंस से गाँव भूलेमऊ पहुँचाया गया है। जब शव गाँव पहुँचा तो कोहराम मच गया। नाराज परिजनों ने उन्नाव पूर्वा राजमार्ग को जाम कर दिया। बेटी की मौत को लेकर पिता समेत अन्य परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
गांव में पहले से ही पुलिस फोर्स की तैनाती है। मृतक युवक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे। बता दें कि बीते 27 दिसंबर के दोपहर करीब 1 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के भुलेमऊ गांव का रहने वाला श्रीचंद पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंचा और उसने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिसके बाद उसे मौजूद पुलिसकर्मियों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ के KGMU अस्पताल में रेफर कर दिया था। लखनऊ के अस्पताल में डॉक्टरों ने उपचार करने के साथ ही ऑपरेशन कर गले में नली डाल दी थी, जिससे वो कुछ खा सके। कल देर रात उपचार के बाद श्रीचंद की लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पिता समेत अन्य लोगों ने पूर्वा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौत को लेकर उन्नाव पुलिस महकमा में भी अलर्ट है। गांव में घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उपद्रवी लोगों पर पुलिस की नज़र है। लखनऊ में बैठे अधिकारी भी मामले की अपडेट ले रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।